बात करें हरनाम सिंह जी, धन्यवाद माननीय सांसद निषाद साहब, सुखराम जी, राजमणि जी, विजेंद्र जी, आधा जी, इस्माइली साहब और वी द पीपल के तमाम जो आयोजक हैं, प्रायोजक हैं इस कार्यक्रम के। मैं वी द पीपल के दूसरे कार्यक्रम में आज आ रहा हूँ। पहले भी यहाँ एक कार्यक्रम आयोजन हुआ था, उसमें भी मुझे अवसर मिला था यहाँ पर बोलने का। मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से आप सब लोगों को, वी द पीपल के लोगों को धन्यवाद देता हूँ और तमाम जितनी संस्थाएं हैं, इसमें हमारी भी संस्था मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन और अम्बेडकर एजुकेशनल कल्चरल सोसाइटी ने भी इसमें आपको समर्थन पहले ही दिया है। जैसा कि मुझसे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने काफ़ी अपनी बात रख दी, और आपका मेन आज विषय है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। उस भागीदारी पर हम बात करने आए हैं, तो मैं समझता हूँ हमें दो तीन उदाहरण, क्योंकि मुझे दो मिनट का समय कहा गया है, मैं तो दो तीन उदाहरण से बात रखना चाहूंगा। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने और देश की भारत की सरकार ने मिलकर एक साजिश रची कि देश में जो एट्रोसिटी एक्ट है, जो देश में अनुसूचित जाति अधिनियम 89 है, उसको किसी तरीके से खंडित किया जाए। लेकिन देश के तमाम युवाओं ने और जागरूक लोगों ने, लाइक माइंडेड लोगों ने जब 2 अप्रैल की कॉल दी और पूरे देश में जब भारत बंद का ऐलान हुआ, तो देश की सर्वोच्च न्यायालय को और भारत की केंद्र सरकार को झुककर दोबारा वापस वो एक्ट को वैसे ही एज इट इज करना पड़ा। दूसरा उदाहरण अभी लेटेस्ट मैं आपको बताता हूं, जो हाथरस में हमारी मनीषा वाल्मीकि के साथ इतना जो कांड हुआ, उसमें जब देश के तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक मूवमेंट तैयार की, तो हर राजनीतिक पार्टी के लोगों को वहां झुकना पड़ा और वहां की सरकार को भी सीबीआई जांच भी करनी पड़ी, कमेटी भी बिठानी पड़ी और जुडिशरी को भी उसमें रोल प्ले करना पड़ा। और कहीं ना कहीं इसका मैं 2 उदाहरण इस बात से पेश कर रहा हूं कि इसमें कहीं ना कहीं सारी बातों का एक निचोड़ ये आता है कि जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनने के साथ आपको संगठित भी होना पड़ेगा। जब आप संगठित हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कोई भी मूवमेंट हो, चाहे सेंसस करानी हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे हमारे और हक हकूक हो, अधिकार हो, उनसे उनके लेने की बात हो, तो वो हम सब लोग संगठन के माध्यम से कर सकते हैं। हम सारे लोगों में बहुत सारी, विशेष रूप से SC ST OBC में आपस में भी बहुत सारी खींचातान है, हमें उसको बैठकर इन मंचों पर एक साथ आना पड़ेगा। अभी कई सारे ऐसे केसेस हम देखते हैं, बड़ा दुख होता है कि जब अनुसूचित जाति के लोगों पर कुछ पिछड़ा वर्ग के हमारे भाई अत्याचार करते हैं, अनाचार करते हैं या कहीं इस तरीके की बातें आती हैं, तो मन को बड़ी ठेस होती है, मन को बड़ी चिंता होती है। हम सब लोग कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने मनुवाद ने 4 वर्ण बनाए हैं, पहला वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और तीसरा जो हमारे OBC भाई हैं, वो गलत फहमी में ना रहे, वो भी शूद्री हैं, उनको शूद्र की कैटेगरी में ही रखा हुआ है। तो कई लोग जो आके अपने आप को चौधरी बन जाते हैं, वो चौधरी नहीं है, वो उनकी नजरों में ठाकुर नहीं बन गए हैं। तो आप सब लोगों को अगर SC ST OBC माइनॉरिटीज अगर इस देश के आ जाए, तो किसी तमाम पॉलिटिकल पार्टी में आप देख लीजिए उनके शीर्ष नेता जो है वो ज्यादातर इसी बड़ी कम्युनिटी के, सो कॉल्ड कम्युनिटी के साथ है। लेकिन जिस दिन हम लोग एक इकट्ठे प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, तो इस देश में प्रधानमंत्री, क्योंकि सबसे बड़े भाई हमारे ओबीसी हैं, इस देश में प्रधानमंत्री अगर बनना चाहिए देश की आबादी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, तो वो ओबीसी वर्ग का ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए अगर पॉपुलेशन की बात करें। लेकिन क्योंकि हम संगठित नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं अपनी ओर से, अपने समाज भगवान वाल्मीकि फाउंडेशन की ओर से, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की ओर से आपको एक वायदा जरूर आज इस मंच के माध्यम से करना चाहता हूं कि आप लोग, विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग समाज के लोग आगे बढ़िए, पूरे अनुसूचित जाति समाज को हम आपके साथ जोड़ेंगे और अगला प्रधानमंत्री, ये तो फर्जी प्रधानमंत्री है जो पिछड़ा वर्ग कह के आ गए, असली आप लोगों में से जो असली प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग का बनेगा, जो जमीनी आदमी होगा, वो आप लोगों में से बनेगा, कुर्मी होगा, यादव होगा, गुजर होगा, जाट होगा और कोई निषाद होगा, मल्ला होगा, इस तरीके की आबादी का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री जब बनेगा, तो वो आप लोगों के दर्द और मर्म को समझ सकता होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय की सीमा है, मैं आप आयोजकों को बहुत बहुत पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। आप इस तरीके से वी द पीपल के लोग कार्यक्रम करते रहिए, समाज में जागृति फैलाते रहिए। हम लोग भी मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन के नाते, जो संविधान को खतरा है इस वक्त देश में, संविधान की अवहेलना हो रही है, संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ हो रही है, उसके लिए पूरे देश में छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। लेकिन
फिर भी हम 25-30 लोगों की हर हफ्ते 50 लोगों की सभाएं कर रहे हैं। अभी 10 सभाएं हम लगभग कर चुके हैं और हमारा मिशन है कि हम इस चुनाव के आने तक 100-150 सभाएं कर दें, जिससे कि समाज में एक जागरूक चिंतन मंथन मनन हो और हम सब लोग जागरूक होकर समाज की लड़ाई लड़े। और जैसे सेंसस का आपने ये मुद्दा रखा है, हम इसके अपनी संस्था की ओर से भी, समाज की ओर से भी आपको पूर्णतः समर्थन दे